अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, एएमयू क्लास 11th का पेपर हुआ है 21 मार्च को। कट ऑफ बताऊँगा आपको इस वीडियो में, डिटेल बात करूँगा आपसे, आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा यहाँ मैं क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी बिजी था मैं 2 दिन से, इसलिए वीडियो नहीं मैं बना पाया था, तो बताऊँगा आपको इन डिटेल। पेपर तो सबने आपने अपने आंसर चेक भी बहुत ज़्यादा कर लिए होंगे, कट ऑफ भी आपने देखी होगी, लेकिन सबसे ऑथेंटिक कट ऑफ बताऊँगा आपको इस वीडियो में, देखिएगा उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप टाइम पर पहुँचें। 2024 की तैयारी जिनको करनी है एएमयू की साइंस और डिप्लोमा की, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों पहले बात करूँगा पेपर के बारे में, पेपर के लेवल दोस्तों क्या था। तो पेपर के लेवल जहाँ तक मेरा ख्याल है, ओवरऑल ये 65-35 पेपर था, मतलब 65% पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, मतलब पढ़ने वाले बच्चे जो बच्चे होंगे वो उनके लिए इतना पार्ट आसान ज़रूर रहा होगा, और 35 मार्क्स का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे ख्याल से। मत बच्चों को दिक्कत ज़रूर आई होगी, पर ध्यान रखिएगा 2 घंटे का टाइम होता है और 2 घंटे में लगभग 20 मिनट आपको ओएमआर को भी गोले भरने में निकल जाते हैं, लगभग आपको 100 मिनट्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, और उसमें आपको लगभग 43 मार्क्स का पार्ट था वो सॉल्व करने वाला आया था, जहाँ बच्चों को दिक्कत होती है सारी बातें आपके दिमाग में नहीं होती, आपको लिख के समझ के सॉल्व करना होता है, तो वो टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है पेपर। दोस्तों वो बात करूँ अगर मैं आपसे इंडिविजुअल मैथमेटिक्स में, दोस्तों लगभग 8 सवाल तो काफ़ी आसान थे, मतलब उसको आप 8 मिनट में कर लिया होगा, जो बच्चा अच्छे पढ़ के गया होगा वो 20-22 नंबर तक वहाँ निकाल गया होगा। दोस्तों साइंस की बात करें 50 नंबर में से लगभग 35-38 मार्क्स का पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, और दोस्तों जी के इंडो इस्लामिक में आधा आसान था, 10 मार्क्स का आधा पार्ट मुश्किल था। दोस्तों ये था मेरा, ये मेरा गैस है पेपर का, मेरा अपना राय है इसके बारे में। दोस्तों बात करें कट ऑफ के बारे में, पहले बात करूँगा अगर आप एक्सटर्नल हैं, मेल हैं, PCM आपकी चॉइस है, दोस्तों अगर आप PCM चाहिए एक्सटर्नल बॉय हैं तो आप कट ऑफ मेरे ख्याल से रहेगी 60-63, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं होने वाली। अगर आप OBC हैं तो आप लगभग 2-2.5 नंबर कम कर लें, और अगर आप SC ST तो लगभग 5-6 नंबर, इवन ST में तो 7-8 नंबर भी कम पे आपका एडमिशन शायद PCM में आपको मिल जाए। दोस्तों बात करें अगर आपको PCB बॉय हैं, एक्सटर्नल हैं, दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ रहने वाली है 58-60, से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, इससे कम तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप OBC हैं अगेन 55.5 तक कट ऑफ आपकी हो सकती है। दोस्तों अगर आप SC ST हैं तो अगेन 52-51 पे आप उम्मीद कर सकते हैं PCB का, अगर आप एक्सटर्नल हैं तो। सो बात करूँगा आप गर्ल्स के बारे में, अगर आप चाहिए PCM और गर्ल हैं आप तो कट ऑफ दोस्तों यहाँ रहने वाली है मेरे ख्याल से 56-58, इससे कम बहुत मुश्किल है, इससे ज़्यादा भी दोस्तों मुश्किल है। अगर आप दोस्तों OBC हैं, गर्ल हैं, एक्सटर्नल PCM चाहिए आपको तो अगेन 2-2.5 नंबर तक आप पीछे लें, 55 तक आपको मिल सकता है दोस्तों। अगर आप SC ST तो अगेन 50 के अराउंड अगर आपके स्कोर आ जाएगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो अगर आप एक्सटर्नल गर्ल हैं, आपको PCB चाहिए दोस्तों, तो लगभग कट ऑफ मेरे ख्याल से अगेन 56-58 रहेगी, क्योंकि गर्ल में जो है ज़्यादातर वहाँ जाती हैं, मतलब PCB के अंदर 56-58 कट ऑफ रहेगी, इससे कम करना मुश्किल है। अगर आप OBC हैं तो अगेन 2 नंबर कम कर लें आप, 2.5 नंबर, और अगर आप SC ST हैं तो अगेन 50 मार्क्स तक आप PCB उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं SC और ST कैटेगरी के अंदर। उससे ये हुआ है एक्सटर्नल के बारे में। बात करूँगा आपसे इंटरनल के बारे में, इंटरनल मेल बॉय दोस्तों PCM हैं अगर आप, तो कट ऑफ रहने वाली है इस पेपर के हिसाब से 54-56, इससे कम दोस्तों, इससे ऊपर नहीं होगी, कम तो इससे हो सकती है 1-2 नंबर, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप OBC दोस्तों हैं तो अगेन 50-52 तक मामला बन जाएगा आपका इंटरनल होते हुए। अगर आप SC ST हैं मैथमेटिक्स तो आपको मे बी 49-48 तक मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए PCM। PCB चाहिए अगर आपको दोस्तों बॉय हैं, कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ रहने वाली है अगेन 50, बहुत फ़र्क यहाँ पर नहीं आने वाला, 53-55 ही रहेगी, इससे ज़्यादा दोस्तों रहना मुश्किल है। अगेन OBC हैं 2-2.5 नंबर पीछे ले आए आप, और अगर आप SC ST हैं तो अगेन वही 48-49 तक आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप गर्ल हैं, इंटरनल हैं दोस्तों, कट ऑफ आपकी PCM चाहिए अगर आपको, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कट ऑफ जो रहने वाली है वो अगेन 52-54 रहेगी, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं रहेगी। और अगर आप OBC हैं तो 2 नंबर आप पीछे कर लें, 2-2.5 नंबर। अगर आप SC ST हैं तो अगेन 47-48 तक आपको PCM जो है वो मिल जाएगी इंटरनल फीमेल को। दोस्तों बात करें अगर आपको चाहिए PCB इंटरनल हैं दोस्तों, तो कट ऑफ मे बी यहाँ जो रहेगी वो 50
3255, इससे ज़्यादा दोस्तों फीमेल काफ़ी आती है मेरे पीसीबी के अंदर, गर्ल्स जो होती हैं तो 55 के अराउंड 53 to 55 तक जो है मुझे लगता है कि उनको मेन लिस्ट में नाम आ जाएगा। वेटिंग तो उसके बाद हो जाए तो एक वो एक अलग बात है। उसको अगर आप इंटरनल गर्ल हैं पीसीबी ओबीसी हैं तो अगेन 40, 49, 40, 50 तक आपको एडमिशन मिल जानी चाहिए दोस्तों। और अगर आप SC ST हैं तो अगेन इंटरनल गर्ल हैं तो अगेन मे बी 40, 46, 47 अगर आपने स्कोर कर लिया है तो आपको SC ST वाली कैटेगरी में अगर आप आती हैं तो आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए लिस्ट वन के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ कट ऑफ लिस्ट वन की, इसमें कोई वेटिंग वगैरह शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये प्योरली लिस्ट वन की है कट ऑफ। देखिए ये कट ऑफ अगर आपके नंबर इसके अराउंड आ रहे हैं ना तो आपका चांस ज़रूर है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा गैस 11th साइंस कट ऑफ के बारे में। इसके बाद की वीडियो में डिप्लोमा और फिर कॉमर्स के बारे में भी मैं वीडियो आपको दूंगा बना के। इस वीडियो में इतना ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।